हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। ये जो चुनाव है, ये चुनाव तीन कृषि के काले कानूनों के खिलाफ है और बीजेपी कांग्रेस दोनों, जितना बीजेपी का दोष है उतना कांग्रेस का भी है। आम आदमी को इस बात का पता है कि तीन कृषि के काले कानूनों का ड्राफ्ट बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है, जो 2013 में लोकसभा में एक बिल के रूप में लेकर के आई थी और उस वक़्त इसलिए बिल पास नहीं हो सका कि कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था और भाजपा उस वक़्त इसका विरोध कर रही थी। उस वक़्त स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जो अपोजिशन लीडर थी और उन्होंने इसके ऊपर कड़ा विरोध दर्ज कराया था अपना। आज ये दोनों पार्टियां जब लोगों के बीच में जाएंगी तो लोग इनसे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि एक ने ड्राफ्ट तैयार किया और एक ने काले कानून लागू किए और हम लोग जो है इनके लगातार खिलाफ आंदोलन लड़ रहे हैं, आप हमारे बीच में आए किस मुंह से हो, क्या क्या करके वोट मांगेंगे? आज आपने देखा नहीं, बीजेपी का कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने गया, हजारों पुलिस के जवान साथ लेकर के आने पड़े, किस तरह से लोग आज विरोध कर रहे थे। एक तो वो लोग नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आते हैं तो उनको इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है। एक मैं कल नॉमिनेशन फाइल करूंगा, हजारों लोग जो है रास्ते में मेरा स्वागत करेंगे भी आज हमारा नुमाइंदा नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है। मेरा चुनाव जो है वो कोई पार्टी का चुनाव नहीं है। मैंने जो रिजाइन किया वो कृषि के तीन काले कानून जो बनाए थे उसके अगेंस्ट में, कि वो कानून रद्द हों, उसके ऊपर रिजाइन किया था, लोगों से पूछ के रिजाइन किया था। लोगों ने ही मेरा मुझे इस बात का आदेश दिया कि आपको विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना चाहिए। अब भी चुनाव में जब मैं आया हूँ तो आपने देखा नहीं, 3 तारीख को 10,000 से ज़्यादा लोग इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के चोपटा में इकट्ठा हुए और उन्होंने सभी में ये कहा कि हमारी तरफ से आप उम्मीदवार बनकर के आओ, हम आपके साथ हैं और हम आपको, आपका चुनाव हम लड़ेंगे। लोगों ने एक विश्वास और भरोसा व्यक्त किया है, मुझे उन लोगों पे बहुत बड़ा भरोसा है कि वो जहाँ इन दोनों को सबक सिखाएंगे, जमान जब्त कराएंगे, वहाँ मेरा रोड़ी का रिकॉर्ड भी बीट करेंगे, तोड़ेंगे। ओपी धनखड़ ने आज कहा कि जो इस्तीफा आपने दिया, तीनों ही कृषि के कानून हैं उन पे कोर्ट में स्टे है और वो जो है उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ और चुनाव जो है मैदान में आ गए। ओम प्रकाश धनखड़ तो ये कह रहा था पहले कि हमारे लिए ये एक सुनहरी मौका है, मैंने तो उनसे कहा था इस मौके का फायदा उठा तो चुनाव लड़। अब बात बदल रहा है, भाषा बदल रहा है, क्योंकि आज ओम प्रकाश धनखड़ फार्म भराने आया था और आज उसने देख लिया कि तुम्हारी कितनी मिट्टी पिटेगी यहाँ पे, किस तरह से लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तो कुछ तो बोलेगा बेचारा, क्या करेगा। समाज से भी अब लगातार एक काम होगा, मैं बताऊँ आपको, ये धनखड़ जैसे लोग, बीजेपी के जितने भी नेता हैं या JJP के नेता हैं, ये पब्लिक में तो जाएंगे नहीं, ये तुम जैसों को बुलाएंगे और खड़े होकर के अपने भाषण झाड़ेंगे, बयान देंगे, मेरे खिलाफ बोलेंगे, और तो कोई किसी के खिलाफ बोलने वाला बचा ही नहीं। इनकी खुद की हालत क्या है इसका अंदाज़ा आप आज ने लगाया नहीं? उनकी एक फ़ोटो देखी मैंने, जो नॉमिनेशन फाइल कराने गए हुए थे उसमें बराड़ा भी था, रणजीत अंकल भी थे, उसमें आदित्य भी था, उसमें ये हैं निशान सिंह और दुग्गल तो नहीं दिखे मुझे उसमें, वो दोनों तो मुझे लगता है कहीं कोने में बैठे होंगे, माथा पकड़ रखा होगा उन्होंने। इन सब के भी शक्ल देखने लायक थी, जैसे कहीं मातम मना रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल कराने कोई आदमी जाता है तो उसके चेहरे पे अलग खुशी होती है, ये तो मायूस थे बेचारे,
वो फोटो आप जरूर देखो, उससे आपको एहसास हो जाएगा। सर, अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने भी कल ऐलान किया है कि हम बीजेपी के खिलाफ मिशन जीरो की शुरुआत करेंगे, बाकी किसी का विरोध नहीं होगा, बीजेपी में जो भी होगा उसका विरोध होगा। ये उनका फैसला है, उनका फैसला आज का थोड़ा ही है। किसान मोर्चा तो पहले दिन से ही, जब से कृषि के तीन काले कानून बने हैं, उन्होंने बीजेपी और जेजेपी का बहिष्कार कर रखा है। और हमारा भी एक एक कार्यकर्ता जो है लगातार उसके आंदोलन का हिस्सा बन के बीजेपी और जेजेपी के जहाँ कार्यक्रम होते हैं वहाँ झंडे लेकर के जाता है, उनका विरोध करता है। गोविंद कांडा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था, दूसरी पार्टी से उसको लेकर क्या आया। धनखड़ ने कहा कि वो एक समाजसेवी है, इसलिए हमने उनको टिकट दिया है, 400 लड़कियों की शादियां उन्होंने करवाई, बलि का बकरा बनाया है।